देखो बेसिकली आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे स्टार टू डेल्टा, जो हमने लास्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसके कॉन्सेप्ट को, उस पे बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे डिस्कस करना है ये आज हमारा काम है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, और ये तुमको जनरली क्या है, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स तुमको हर बुक्स में मिलेंगे, और मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम कैसे यूज कर सकते हो स्टार डेल्टा फॉर्मेशन को। ठीक है, जैसे मेरी बात को समझो, जैसे फर्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे समझो यहां रेसिस्टेंस है, यहां रेसिस्टेंस है, और इधर रेसिस्टेंस लगाए। ठीक है, इसके साथ इधर रेसिस्टेंस है, इधर रेसिस्टेंस लगाएं और यहां रेसिस्टेंस लगाएं। ठीक है, ऐसा है, एक रेसिस्टेंस यहां बना हुआ है, एक रेसिस्टेंस यहां बना हुआ है और एक रेसिस्टेंस यहां बना हुआ है। देखो ये पिक्चर है, ओके, और ये एक टर्मिनल पॉइंट है, दिस बिकम ए और दिस बिकम बी। ठीक है, हमें इसमें निकालना है फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, दिस बिकम अ 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम, और ये भी हमारे पास 6 ओम है। ठीक है, ये है हमारे पास 3 ओम, ये भी है हमारे पास 3 ओम, और ये भी हमारे पास 3 ओम है, और ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, और ये है 1 ओम। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ क्या ध्यान रखोगे, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो हमेशा आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, तो ऑलवेज फर्स्ट हम हमेशा एक चीज याद रखते हैं कि क्या हमें यहाँ से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो यहां से हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको कहीं भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा तो फिर हम उसको ट्रांसफर क्या करेंगे, स्टार डेल्टा फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो देखो यहां थोड़े से टर्म्स को समझना, ठीक है, कि अगर आप इस पूरे को देखोगे तो तुमको यहां देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, जो इनसाइड ट्राइंगल्स दिख रहा है आपको, तो ये जो इनसाइड ट्राइंगल्स है ये तुमको कैसा दिख रहा है, ये डेल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो इस डेल्टा को अपने स्टार में फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब अगर मैंने इसको इस तरह से देखो, ये इसके अंदर मैं एक डेल्टा स्टार बना सकता हूं डेल्टा को ट्रांसफर करके, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो देखो ये वाला जो सेक्शन है, ध्यान से बेटा एक एक पॉइंट्स को समझना, कि देखो ये जो रेसिस्टेंस है अब, और ये रेसिस्टेंस जो हमने बनाया है स्टार का, और ये रेसिस्टेंस बनाया है, हमें ये फाइंड करना होगा, और ये फाइंड करने का तरीका आपको पता है कि अगर आप इसको स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करोगे, तो यहां एक चीज ध्यान से देखना कि यहां भी तुमको 3 ओम का रेसिस्टेंस है, यहां भी तुम्हारे पास 3 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहां भी 3 ओम का रेसिस्टेंस है। तो ये जो डेल्टा का जो है, ठीक है ना, ये डेल्टा से जो स्टार बना रहे, तो स्टार का जो ये रेसिस्टेंस होगा, ये ऑब्वियस ही बात है तीनों ब्रांच में, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों स्टार के ब्रांच में सेम ही मिलने वाला है। तो अगर तुमने एक को कैलकुलेट किया तो ऑब्वियसली बात है तीनों निकल जाएगा। तो इसमें अगर तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो फॉर्मूला याद है, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का 3 into 3। ठीक है ना, जैसे इसको समझ लो, ये वाला ग्रीन वाले को मैं स्टार का पहला ब्रांच बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन है इसको स्टार का मैं दूसरा ब्रांच बोल रहा हूँ, और ये वाला जो ग्रीन है सर्कल में इसको मैं तीसरा ब्रांच बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो देखो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम, तो फॉर्मूला लगा लो, तो फर्स्ट ब्रांच के लिए, ये फर्स्ट ब्रांच जब हम निकालेंगे स्टार का, तो वो क्या लिखेंगे, 3 into 3, दिस बिकम 3 multiply 3 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 3 plus 3 plus 3, तो दैट बिकम्स क्या हो गया, देखो 9 divided by 9। क्लियर आ रही है आपको बात, समझिए कितना हो गया 9 divided by 9, दिस बिकम 1 ओम। ठीक है, और यही सिमिलर, मतलब यहां पे जो थर्ड होगा, मतलब फर्स्ट पे जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा स्टार ब्रांच में, वही तुम्हारा सेकेंड के लिए भी होगा, वही तुम्हारा थर्ड के लिए होगा, क्योंकि बिकॉज डेल्टा के तीनों रेसिस्टेंस जो दिए हुए हैं वो कैसे हैं, सेम है। क्लियर है? अब यहां पे ये चीज तुमको समझ में आ गई है, तो यहां देखो अब इसको हम नेक्स्ट सर्किट की तरह बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट में बनाते, देखो
अब अगर इसको मैं रिड्यूस करूं, नेक्स्ट सर्किट इसका फॉर्मेट करूं, तो नेक्स्ट सर्किट क्या होगा? देखो, जो एज इट इज है उसको एज इट इज रख दो। देखो इस तरह से, ये जो 6 ओम वाला जो है, ठीक है, ट्राइंगल के कॉर्नर पे, उसको तो एज इट इज बनाओ। देखो, ड्राइंग जरूरी नहीं है कि आप स्केल से करो, आप जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? यहां समझना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, परफेक्ट बनाते हैं अपने। ठीक है, ये इस तरह से देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ पे हमें इस तरह से फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ए, और ये क्या है मेरे पास? बी। ठीक है, तो ये कितना था? 6 ओम। दिस इज ऑल्सो 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम। अब इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में हमें क्या मिला था? स्टार। तो देखो, ये तो पहले से 1 ओम था, ठीक है, और यहां से भी 1 ओम पहले से था, क्योंकि जो एज इट इज है उसको पहले आप बना लो, ये 1 ओम था। अब इसके साथ तुमने जब स्टार बनाया, तो एक रेसिस्टेंस ऐसा मिला तुमको, एक रेसिस्टेंस यहां मिला और एक रेसिस्टेंस यहां मिला। ठीक है, तो ये जो पहले से 1 ओम था, ठीक है, अब तुमने कैलकुलेट करके ये जो स्टार में बनाया, ये भी 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम है, और ये पहले से 1 ओम था, ये भी देखो 1 ओम है, और ये 1 ओम है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो इस सेक्शंस में कि तुमको क्या दिखेगा। फिर हम वही चीज बोलेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो यहां तुम देखोगे पूरे सेक्शन में, तो ये जो 1 ओम का रेसिस्टेंस है और ये जो 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? सीरीज में है। उसी तरह दिस 1 ओम रेसिस्टेंस और ये 1 ओम रेसिस्टेंस भी सीरीज में है, और ये 1 ओम रेसिस्टेंस और ये 1 ओम रेसिस्टेंस भी क्या दिख रहा है हमको? सीरीज में दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर हम इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाएंगे, तो वो सर्किट हमारे पास कैसा बनेगा? देखो, जो एज इट इज है पहले उसको बना लो, ये हमेशा ध्यान रखोगे। ये बना लिया हमने, ठीक है, और ये क्या हो गया? 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, ये हो गया। अब इसके साथ साथ हमें क्या जुड़ता हुआ दिखा? देखो, एक ये बनता हुआ दिख रहा है जो कि 2 ओम हो गया, 1 ओम, और 1 ओम को सीरीज में लिया, तो यहां से भी तुमको ये वाला सेक्शन में ये क्या दिखेगा? 2 ओम मिल गया। अब यहां से देखो, ये भी तुमको क्या दिखेगा इस सेक्शन में? 2 ओम। ठीक है, तो यहां देखो, अब ये डिपेंड तुम पे कर रहा है कि इतनी सर्किट्स होने के बाद क्या तुम स्टार डेल्टा फॉर्म पे जा रहे हो या सिमेट्री मेथड पे जा रहे हो। मैं तुमको दोनों मेथड इसमें दिखाता हूं कि अब एक डेल्टा को स्टार में ट्रांसफर करने के बाद जो ये जो मेरा लास्ट सर्किट आ रहा है, ठीक है, इस सर्किट में हम क्या चीजें देख सकते हैं। तो तुम ध्यान से देखना, मैं थोड़ी चीजें बताता हूं, मैं दो मेथड इसमें यूज करूंगा, ठीक है, एक सिमेट्री मेथड भी आपको बताता हूं और एक मैं इसमें स्टार डेल्टा भी इस सर्किट्स में भी लगाऊंगा जो रिड्यूस करके आया है। तो ध्यान से देखो, अगर तुम यहां से ए से देखोगे, तो ए से जो करेंट फ्लो होगा वो क्या होगा? यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, तीन जगह करेंट डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये आई करेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3 मिलेगा। तो तुमको ये पता है कि I1 करेंट इधर गया और ये 6 ओम से रिटर्न होता हुआ, एज इट इज I1 यहां भी आना चाहिए, I2 इधर जाएगा तो एज इट इज I2 यहां आना चाहिए और I3 यहां आना चाहिए। मतलब ये जो ब्रांच दिख रहा है तुमको, ये जो ब्रांच दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, मतलब इक्विपोटेंशियल का ब्रांच हो जाएगा। तो ये जो 2 ओम का रेसिस्टेंस है, इसके पास करंट आएगा ही नहीं। जब इसके पास करंट नहीं आएगा, तो इसको हम हिंज कर सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखो, 6 ओम, 6 ओम क्या हो गया? सीरीज में 12 हो गया। 2 ओम, 2 ओम क्या हो गया? ये भी सीरीज में हो गया। ये भी क्या हो गया? 4 ओम हो गया, और ये 6 ओम। तो क्या लिखोगे अब? इक्विवेलेंट निकालना है, तो अब तीनों क्या मिल जाएंगे तुमको? पैरेलल। अब पैरेलल मिल जाएंगे, तो 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट तुमको 1/2 मिलेगा, और R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? 2 ओम। मतलब यहां से तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा वो 2 ओम होगा। बट इन केस अगर तुम, चलो अगर सेमेट्री जिनको क्लियर नहीं समझ में आया, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम यहां से भी क्या करते हैं कि एक बार स्टार डेल्टा लगाते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें तुम ध्यान दोगे तो ये देखो, तुमको ये जो पहला वाला है, ये पहला फर्स्ट वाला, ये तुमको क्या दिख रहा है? ये एक डेल्टा दिख रहा है, ये देखो, ये दूसरा डेल्टा दिख रहा है और ये तीसरा डेल्टा दिख रहा है। जब भी तुमको तीन डेल्टा दिखे ना, तो तीन डेल्टा को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि तीन डेल्टा में हमेशा एक स्टार जरूर दिखेगा। ठीक है, तीन डेल्टा में ऑलवेज एक स्टार जरूर आपको दिखेगा।
तो फिर आप क्या करोगे कि वो तीन डेल्टा को सॉल्व करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, आगे न्यूमेरिकल्स बढ़ सकते हो, मगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बेटर है एक चीज याद रखो कि जब भी आपको तीन डेल्टा दिखे तो उसमें एक स्टार ऑब्वियस सी बात है आएगा, और उस स्टार को भी तुम क्या करो डेल्टा में फॉर्म कर दो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। यहां देखो, अब यहां पे इस टर्म्स को बेटा ध्यान दे से समझ कि जब ये जो डेल्टा है इसको तुम स्टार बनाओगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से फॉर्मेट कर देंगे। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक स्टार से डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा में ये वाला एक रेसिस्टेंस मिलेगा हमको, यहां पर एक रेसिस्टेंस मिलेगा और इस जगह रेसिस्टेंस मिलेगा। अब हमको क्या करना है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो इसका सर्किट जो बनेगा वो कैसे, पहले मैं सर्किट बना दूं, सर्किट कैसे बनेगा, ये 6 ओम एज इट इज, ये 6 ओम एज इट इज, और यहां पर ये 6 ओम एज इट इज हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से तुम ध्यान दो, तो जब मैंने डेल्टा बनाया तो एक यहां पे आ जाएगा, ठीक है, एक तुम्हारा यहां आ जाएगा और एक इस जगह आ जाएगा। अब ये देखो, ये डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो है 6 ओम 6 ओम और ये 6 ओम तो जो है वही रहेगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो है वही रहेगा। अब ये तुमको निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है ये दे रहा है ना, तो हमें ये दोनों निकालनी है, ठीक है। डेल्टा में आपको फॉर्म, और डेल्टा टू स्टार जब आप फॉर्म करते हो तो उसका भी फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। हम क्या करते हैं, दो का देखो, इसमें दो का प्रोडक्ट लेंगे, बाकी का सम्स कंसिडर करना शुरू करेंगे, सॉरी ये तो हम डेल्टा टू स्टार करते हैं तब करते हैं, और बाकियों में क्या करना है हमको, तो बाकी वाले हम ध्यान लेंगे, प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, ठीक है। आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन डिवाइड बाई आर थ्री, अगर हमको जेड थ्री निकालना है तो ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में बताया है, तो वहां से तुम कवर कर सकते हो। तो उस कंडीशन में अगर ये तीनों का तुम कंसिडर करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यहां से भी ध्यान से देखना कि क्या दिख रहा है तुमको, ये दोनों मिलके तुमको 2 ओम 2 ओम 2 ओम है ना, तो ऑब्वियसली ये फिर से तीनों सिमिलर है, तो ऑब्वियसली जितना ये वाले रेसिस्टेंस होंगे स्टार टू डेल्टा करने में उतना ही ये रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा और उतना ही ये रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा, मतलब फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, हम यहां भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं? अब फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड जब हम लिखेंगे तो ये जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये भी 6 ओम मिलेगा आपको, ये भी 6 ओम मिलेगा, ये भी 6 ओम मिलेगा, एकदम कैलकुलेट करके चेक करोगे। अब यहां से तुमको क्या दिखा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये सब क्या दिखे, पैरेलल, जब ठीक है ना ये दोनों पैरेलल, तो 6 ओम 6 ओम का पैरेलल अगर कंसिडर करोगे तो तुमको क्या दिख गया, देखो यहां से देखो, ये 3 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा और ये 3 ओम हो जाएगा, देखो ये 3 ओम ये 3 ओम और ये भी 3 ओम, कहीं दिक्कत नहीं आपको, ए और बी, देखो इसके बाद ये सेक्शन बन गया। अब ये देखो 3 ओम 3 ओम क्या मिल गया, देखो सीरीज में, और ये 3 ओम के साथ क्या हो गया, पैरेलल में, मतलब नेट जो रेसिस्टेंस हमको आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ओम का। तो तुम अगर यहाँ पे सिमेट्री यूज कर रहे हो तो भी 2 ओम आ रहा है, और उसके बाद भी अगर तुम स्टार डेल्टा से ही बढ़ रहे हो तो भी रिजल्ट तुमको 2 ओम आ रहा है, मतलब दोनों प्रोसेस आप इस यहाँ पे वर्क कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। चलो एक क्वेश्चन और मैं ट्राई करके बताता हूँ, ये जैसे मैंने तीन डेल्टा बताया, तो तीन डेल्टा अगर दिखेगा तो तुम क्या कर सकते हो, एक स्टार मिलेगा तुमको और स्टार से डेल्टा फॉर्म कर सकते हो। अब यहां पर ये ध्यान दो कि अगर हमको चार मिले तो हम क्या करेंगे, चार डेल्टा मिले या चार स्टार मिले तो हम क्या कर सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पे समझना, इस बार क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा मैं इस बार बड़ा बनाऊंगा, बड़ा बनाने का लॉजिक ये है कि फिर अंदर कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत हो जाती है। देखो ये है इस पर, ये ए है, ये बी है, ये 5 ओम है, क्लियर है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम का रेसिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ओके। यहाँ पर ये दिया है मेरे पास 4 ओम, ये दिया है मेरे पास 4 ओम, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा हिंट दूंगा और ये क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पे तुम ध्यान से एक पॉइंट्स को समझो कि तुमको क्या दिख रहा है, देखो एक डेल्टा यहां दिख रहा है ना ऊपर, दूसरा डेल्टा यहां दिख रहा है, तीसरा डेल्टा यहां दिख रहा है और चौथा डेल्टा यहां दिख रहा है,
तो चार डेल्टा दिख रहा है तुमको। तो वापस मैं बोलूंगा, जब भी चार डेल्टा दिखे तो इसमें तुमको दो स्टार दिखेगा, ठीक है, दो स्टार तुम बना सकते हो। अगर तुमको तीन डेल्टा दिखे तो वहां पर तुम क्या करोगे, एक स्टार बना सकते हो। तो यहां पर क्या करोगे, मैं बस आज प्रोसेस बनाने के मूड में हूं इसलिए तुम ध्यान से देखो, ठीक है। मैं सिर्फ सर्किट डिजाइन करूंगा, यहां से ये जो डेल्टा है, ठीक है, क्लियर है ना, ये जो डेल्टा है इसके लिए हम इस तरह से एक स्टार बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंस, ये स्टार बन जाएगा, देखो ये ऐसा डिजाइन कर सकते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी ये तुम ऐसे डिजाइन कर सकते हो, देखो ये ऐसा डिजाइन कर लिया। अब देखो दो तुमको क्या दिख गया, डेल्टा से स्टार में बना चुके हो तुम, आ रही है ना इतनी बात समझ में, अब ये दिख चुका। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, देखो मैं एकदम सर्किट बनाने के मूड में, मैं नहीं बना रहा कैलकुलेशंस वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो इस जगह तुम्हारे क्या ए है, वो इस तरह से बना हुआ है, बी तुम्हारा, सॉरी बी में रेसिस्टेंस नहीं है, ये वाले सेक्शन में रेसिस्टेंस नहीं है, चलो मैं दूसरा यूज करता हूँ, ये ऐसा है। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज बना लो पहले, क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, ये 4 ओम और ये जो बनाया है तुमने, तो कि ये तो 4 खत्म हो चुका है, ये 2 खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके साथ तुमने एक डेल्टा बना दिया, सॉरी स्टार बना दिया। तो इसके लिए तुम्हारे पास स्टार कैसा है, इस तरह से है ना, और इसके लिए तुम्हारे पास स्टार कैसा है, देखो ये दोनों मिलके भी हम बना चुके हैं, है ना, ये वाला जो है ये ब्रेक हो चुका है और ये फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पे तुम्हारा 2 रेसिस्टेंस है ऐसा, और इस जगह ऐसा बना हुआ है, इज इट क्लियर। फिर यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, एक ऐसा बना हुआ है, एक यहाँ ऐसा बना हुआ है, क्लियर है, और इस जगह मेरे पास ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये रेसिस्टेंस ठीक है ना, और ये रेसिस्टेंस कैसा मिल गया, सीरीज में, और ये दोनों भी कैसा मिल गया, सीरीज में। अब यहाँ से ट्रांसफर करो, देखो ये 5 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 2 ओम का है, मैं जानबूझ के नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, ये तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों मिलके सीरीज में हो गया, तो अब यहाँ से समझना, ये इस तरह से हो गया, ये एक सीरीज में हो गया यहाँ से, और ये ऐसा बना हुआ है। अब ये तीनों मिलके सीरीज में बनेगा तो ये इसके साथ एक पैरेलल हो जाएगा, अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, फिर कंप्लीटली एक सीरीज मिलेगा, और उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको, देखो मेरे पास सर्किट ऐसा था, ठीक है, इस सर्किट में मुझे क्या दिखा, 1 2 3 4 डेल्टा दिखे, तो 4 डेल्टा मैंने 2 स्टार बना लिया, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब मैं रब करता जाऊंगा और तुम चीजों को समझना, देखो मैंने क्या किया है कि ये बनाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो स्टार बनाया है डेल्टा को छोड़ के, तो ये डेल्टा वाला ये जो रेसिस्टेंस है, देखो मैं रब करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला देखना, ये ऐसा, क्लियर है, ये रह गया, ऐसा दिख रहा है ना। तो अब यहां ध्यान से समझो कि ये तो है, मतलब ये 4 नहीं है बेटा, ये खत्म हो चुका है, ये 4 वाला कहानी खत्म करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी खत्म हो गया, ये भी लाइन नहीं है। अब यहाँ से देखो जो मैंने यहाँ बनाया था, अब तुमको ये क्या होगा, डेल्टा से स्टार में आया, तो स्टार का देखो, अब यहाँ समझना, स्टार का ये वाला पार्ट, यहाँ से ये पार्ट देखो, ये तुमको कैसा दिखेगा, सीरीज में दिखेगा ना ये सारा, तो ये हमने यहाँ पे कवर किया, इज दैट क्लियर, आई बात समझ में। उसी तरह ये दोनों भी तुमको कैसा दिखेगा, सीरीज में, तो इसको भी हमने ऐसे कवर किया, तो ये देखो अब ये दोनों कैसा मिल, अब यहां से अब क्या होना शुरू हो जाएगा, देखो ये मिलके एक रेसिस्टेंस बन चुका है, अब ये जो है ये कंप्लीटली सीरीज में एक रेसिस्टेंस बनेगा, तो इसको भी उड़ाना शुरू करो, देखो ये हटाओ, ये अब नहीं चाहिए हमें, क्लियर है, ये भी नहीं चाहिए। अब यहां से तुमको क्या मिलेगा, देखो इस जगह से वो सारा सीरीज मिलके एक ऐसा सर्किट बनाएगा, क्लियर है, जो तुमको यहां दिख रहा है, देखो ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो दोनों पैरेलल कर देंगे हम, तो ये दोनों पैरेलल करेंगे तो फिर ये सारा एक सीरीज मिलेगा, और 2 ओम के साथ पैरेलल कर दो, फिर इसके साथ ये सीरीज कर देना, सॉल्व हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होगा, हम स्टार डेल्टा मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करोगे, ये सम सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डालोगे कि सर इसका आंसर ये हुआ, इसलिए मैंने नहीं किया है सॉल्व इसको, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा इसको सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं और भी बहुत सारे स्टार डेल्टा फॉर्मेशन से जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो आपके बुक्स में है, मैं वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा।
ठीक है, ओके देन बाय।